ऐसा मिनरल मिक्सर तैयार किया जिसमें पशु की दूध की समस्या हो, अंदर जो फीटस पल रहा है उसको डेवलपमेंट की बात करें, या पशु में खाने की समस्या आती है, पशु मिनरल मिक्सर नहीं खाती, दानेदार मिनरल मिक्सर लाए। अच्छा, दूसरी बात ग्लाइसिन से चिलेट करके लाए। सबसे बड़ी समस्या है हीट बनाने। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है डॉक्टर साहब, और पशु चलो हीट पे भी आ गया डॉक्टर साहब, फिर कंसीव नहीं करता। हाँ। पहला कि पशु हीट पे आएगा ये श्योर है खाके, और नेचुरल हीट पे आएगा, पशु हीट पे भी आएगा और ग्याबन भी रुकेगा। दूसरा, पशु के अंदर जो ग्याबन रुकने के बाद जो खून की कमी आ जाती है, एनीमिया हो जाता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है जब पशु के अंदर एनीमिया आ जाता है, उस पर भी ये काम करता है। फैटी लीवर की समस्या को दूर करेगा, लीवर स्ट्रेस में उसको दूर करेगा, अगर लीवर डैमेज भी हो चुका है डॉक्टर उसको रिजनरेट। आपको यही कंटिन्यू रखना है, इससे आपके पशु का फैट भी बढ़ेगा, पशु ग्याबन भी रुकेगा, और पशु में जो अंदर बच्चा पल रहा उसका भी हेल्थ, वो भी हेल्थी होगा और पशु एनीमिक नहीं होगा। जो मिनरल्स लाए हैं हम वो भी ओके डॉक्टर साहब, ये हम घास के स्वाद में लाए। अच्छा, घास के स्वाद में। अगर मैं निचोड़ पर आता हूँ तो लेके पशु के हीट से और कंसीव कराने तक और ब्याने तक, ये डॉक्टर सिंगल मिनरल मिक्सर ऐसा है एक चीज। तो दोस्तों रेगुलर खिला सकते। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके ही बैठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम मैनकाइंड कंपनी के प्रोडक्ट के साथ हैं, प्रोडक्ट का नाम है वो भी ओके। ये प्रोडक्ट ऐसा है, हमने देखा है फील्ड में, हम लोग काम करते हैं, अक्सर लोगों की समस्या रहती है जो हीपर्स कटियाँ हैं, रिपीटर हैं, जो हीट पे नहीं आते हैं, एनेस्ट्रेस की समस्या है सबसे ज़्यादा पशुओं में, उसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए इस कंपनी का एक कदम है इसकी तरफ कि पशुओं को जो है ऐसा मिनरल मिक्सर तैयार किया जिसमें पशु को, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारा पशु ग्याबन है, या मान लो पशु को मिनरल मिक्सर खिलाया और पशु हीट पे आया, इसके बाद में पशु मिनरल मिक्सर खिलाना बंद कर देते हैं, या प्रेगनेंसी पशु ग्याबन है, सोचते हैं यार इसे खिलाएंगे तो पशु हीट पे आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बाकी दूध की समस्या हो, अंदर जो फीटस पल रहा है उसको डेवलपमेंट की बात करें, या पशु में खाने की समस्या आती है, पशु मिनरल मिक्सर नहीं खाते हैं, इन सारी समस्याओं की आज डिटेल से भाई साहब से बात करेंगे। ये मैनकाइंड कंपनीज है, जो प्रोडक्ट है आपको बताया वो भी ओके के नाम से, तो जानेंगे इसकी विशेष जो विस्तार से इसकी जानकारी है भाई साहब बताएंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। अच्छा, नाम बता दे, अपना परिचय दे थोड़ा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है और मैं एरिया मैनेजर हूँ यहाँ। जी जी, मैं इस समय जो है हसनपुर तहसील के अंतर्गत आपके माध्यम से कुछ पशुपालक भाइयों को जो जानकारी देना चाह रहे हैं डॉक्टर। जी डॉक्टर साहब, अभी तक आप देख रहे थे मेजर जो समस्या है, चाहे तो डॉक्टर साहब हीपर्स हो या डॉक्टर साहब कोई भी पशु हो, सबसे बड़ी समस्या है हीट बनाने। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है डॉक्टर साहब, और पशु चलो हीट पे भी आ गया डॉक्टर साहब, फिर कंसीव नहीं करता, तो इन्हीं सभी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर साहब एक्चुअल में क्या एक ब्रांड अपनाया है मैनकाइंड वो भी ओके मिनरल मिक्सर। अच्छा, जो कि सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रैनुल्स फॉर्म है ना कि पाउडर फॉर्म, यानी कि दानेदार मिनरल मिक्सर लाए हैं। अच्छा अच्छा। दूसरी बात ग्लाइसिन से चिलेट करके लाए हैं। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब मार्केट के अंदर जो है चिलेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो कोई प्लेन चिलेशन मारा था, कोई चिलेशन मारा था, कोई मिथु चिलेशन मारा था, ये तीन तरीके की जो है टेक्निक चल रही थी। अब डॉक्टर साहब कोई भी मिनरल्स हो उसका एक डाल्टन साइज होता है। जी, जितना कम डाल्टन साइज होगा उसका एब्जॉर्ब जो है 100% उतना ही। जी, अभी तक मार्केट में आप देख रहे हो जितने भी मिनरल्स आते हैं डॉक्टर, जो अगर मैं डाल्टन साइज की बात करता हूँ तो उनका डाल्टन साइज जो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर डॉक्टर मैं बात करता हूँ वो भी ओके मिनरल मिक्सचर जो कि ग्रैनुल्स में है डॉक्टर, उसका जो डाल्टन साइज है डॉक्टर वो 75। अच्छा, और हाँ 75 होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये डॉक्टर इसका बॉन्ड जो है ह्यूमन के अंदर नहीं टूटता, और ह्यूमन के अंदर जब नहीं टूटता ये ह्यूमन को बाईपास करता है, जो इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है बड़ी वाली, उसके जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उनके माध्यम से एब्जॉर्ब होता है और ब्लड के माध्यम से जिस मिनरल्स की जहाँ डिफिशियंसी है उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इनका कहने का मतलब ये है, सीधी भाषा में कहते हैं ना कि किसी चीज़ को कहीं ले जाते हैं, हमने मान लिया कोई पोटली यहाँ से उठाई और वहाँ ले जा रहे हैं, अगर वो पोटली बीच में खुल जाती है तो वो वहाँ तक पूरी नहीं पहुँचेगी जहाँ हमें पहुँचाना है। ऐसे ही इनका ये मिनरल मिक्सर है, अगर ये मिनरल मिक्सर एक बॉन्ड बन के जाता है, अब पशु की जो एब्जॉर्प्शन क्षमता होती है, जहाँ से पशु को जो ये सब मिनरल्स शरीर में अंदर जाते हैं, वो आंतों का काम होता है, तो ये क्या करता है जब र्यूमन में जाता है तो र्यूमन में घुलता नहीं है, वो जाके आंतों तक जाता है, वहाँ उसका जो पूरा बॉन्ड है वो टूटता है, वहाँ से वो एब्जॉर्ब होता है। तो इसका ये बेनिफिट है कि जो जैसे हम कोई दवाई देते हैं वो र्यूमन में जाके मतलब घुल जाती है तो वो प्रॉपर मात्रा आंतों तक नहीं पहुँचा, जबकि हमारे आंतों का काम होता है एब्जॉर्ब करना, मतलब जो चीज़ हम खिला रहे हैं उसकी जो उसकी चीज़ें हैं वो हमें शरीर में शोषित करना, तो वो चीज़ें जो है इंटेस्टाइन तक पहुँचता है, ये इसका मेन काम है। ये तो हो गया डॉक्टर साहब,
कि पशु जो है जहाँ हीट पर नहीं आ रहा था उसके लिए। अच्छा, अब पता चला डॉक्टर साहब आप गए आपने लिखा और पशु हीट पर आ गया, किसान आपको कॉल करता है और हीट पर भी आते समय क्या हुआ कि आधा किलो मिनट। अच्छा, अगर हम ये खिलाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती हीट पे ला रहे हैं इस पाउडर? डॉक्टर साहब मैनकाइंड की यही फिलोसफी रही है जी, कभी भी कुछ लाई है तो कुछ बेहतर करके लाई है, जस्ट डिफरेंट लाई है, ऐसा नहीं जबरदस्ती वाले काम तो कभी होते ही नहीं है। ठीक ठीक, क्योंकि जो ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव उनमें जबरदस्ती करना अच्छा भी नहीं होता, नेचुरल हीट पे लाता सबसे पहली बात तो ये। पता चला डॉक्टर साहब आपने खिलाया, मतलब किसान को दिया आपने एक किलो का पैक लिखा था और आधा किलो किसान ने खिलाया, पशु हमारा हीट पे आ गया। ठीक है, अब किसान ने क्या किया, अधिकांश होता था मिनरल मिक्सर उठा कर रख देता था, आप गए उस कंडीशन में आपने आई की और वो डर गया बिल्कुल कि डॉक्टर साहब ने हीट के लिए लिखा था अब तो बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, पता चला डॉक्टर साहब 2 महीने बाद आप पीडी करने गए तो पशु गया भी नहीं। तो डॉक्टर साहब अब अभी तक आप भी देख रहे थे फील्ड के अंदर, किसान ने वो मिनरल मिक्सर तब तक उठा कर रख दिया जब तक डर की वजह से डॉक्टर साहब ने हीट के लिए लिखा था, अब खिलाऊंगा तो अबॉर्शन ना हो जाए, इस तरीके की चीज़ें। अब डॉक्टर साहब अब लॉजिक सबसे ज़्यादा ये आता है जब पशु प्रेग्नेंट अवस्था में होता है तो डॉक्टर साहब आप देखते हो 37% एनीमिया की समस्या आपको देखने को मिलती है और एक समस्या होती PPA फिजियोलॉजिकल प्रेगनेंसी एनीमिया, इसमें क्या होता है 37% तक हीमोग्लोबिन कम होता है। कम होने का कारण क्या होता है, पशु के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है वो तो हीमोग्लोबिन की पूर्ति के लिए माँ से कर लेता है, माँ को हमने पूर्ति के लिए क्या दिया, कुछ नहीं दिया, रख दिया। उसके लिए ही डॉक्टर साहब ये मिनरल मिक्सर की खासियत है, एडवांस प्रेगनेंसी केयर न्यूट्रिशंस के साथ है, यानी कि डॉक्टर जो तीसरे ट्राइमेस्टर चला हुआ होता है तो पशु के अंदर ये समस्या आपकी एनीमिया की, बिल्कुल तो उसको क्योर करने के लिए हमने क्या किया, तो हमारा बोबी ओके मिनरल मिक्सर है ग्रैनुल्स, ये डॉक्टर इसके अंदर एक हर्ब दी जिसका नाम है हीमेटोपोएट, ये क्या करेगा जो वहाँ एनीमिक हो रही थी कंडीशन उसको क्योर कर देगा बिल्कुल, साथ में फोलिक एसिड आयरन विटामिन B6 दिया, RBC जहाँ कम बनी थी या ब्रेकडाउन हो चुका था डॉक्टर उसको स्टार्ट करने के लिए, ये तो एक लॉजिक हुआ डॉक्टर एनीमिक। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान आपके सामने एक समस्या और भी आती है, तो दो मुद्दों पे बात हुई है, पहला कि पशु हीट पे आएगा ये श्योर है खाके और नेचुरल हीट पे आएगा, पशु हीट पे भी आएगा और ग्याबन भी रुकेगा, दूसरा पशु के अंदर जो ग्याबन रुकने के बाद जो खून की कमी आ जाती है एनीमिया हो जाता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है जब पशु के अंदर एनीमिया आ जाता है उस पर भी ये काम करता है, तीसरी बात क्या है? तीसरी है डॉक्टर साहब, अब कई जगह आप जाते हो जब किसान के पास 7वां 8वां महीना चल रहा होता है तो कई किसान आपसे शिकायत करते हुए मिलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं खिला तो इसे काफ़ी अच्छा रहा हूँ पर इसकी जो है ओवरऑल हेल्थ नहीं बन, हेल्थ नहीं बन रही। बहुत से वो किसान क्या है पशु तैयार करते हैं बेचने के लिए, पर बहुत से बेचते भी नहीं तो, पर पशु ऐसा होना चाहिए कि ब्याहते समय प्रॉब्लम्स क्रिएट, हाँ, दिक्कत ना हो, तो डॉक्टर साहब उसके लिए ओवरऑल हेल्थ को बनाने के लिए कि हेल्थ क्यों नहीं बन पाती डॉक्टर, जो पशु के अंदर बच्चा पल रहा था उसका साइज जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे ड्राई फार्म खिल सकता है डॉक्टर, लीवर स्ट्रेस में भी आता है, फैटी लीवर की समस्या भी हो जाती है, तो डॉक्टर साहब वेटनरी इंडस्ट्री के अंदर कोई मिनरल्स ऐसा नहीं था कि उसको क्योर करने के लिए डॉक्टर साहब कुछ दिया हो, तो डॉक्टर साहब हमारा जो बोबी ओके मिनरल मिक्सचर है ग्रैनुल्स फॉर्म में इसकी खासियत यह है डॉक्टर साहब हमने जो है सिलीमेरिन दिया हुआ इसके अंदर जो कि फैटी लीवर की समस्या को दूर करेगा, लीवर स्ट्रेस में उसको दूर करेगा, अगर लीवर डैमेज भी हो चुका है डॉक्टर साहब उसको रिजनरेट, एक मुद्दा ये हो गया डॉक्टर साहब, जब पशु सही से खाएगा तो उसकी बॉडी बिल्कुल लगेगा बिल्कुल, ये तो डॉक्टर साहब तीसरे मुद्दे की बात थी। अब एक फायदा और भी है हमारे मिनरल मिक्सचर जी जी, कई किसान अब देखते हो डॉक्टर साहब आप मतलब आप रूरल एरिया में देख रहे हो बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह क्या है हर गांव के अंदर मिल्क कलेक्शन सेंटर लगे बिल्कुल, ठीक है, जब मिल्क कलेक्शन सेंटर लगे तो मिल्क का जो रेट है वहाँ फैट स्नैप के हिसाब से है बिल्कुल, तो हर किसान की उम्मीद भी होती है और इच्छा भी होती है कि हमारा जो पशु दूध दे रहा उसका जो है फैट स्नैप अच्छा हो। देखो ये बहुत बड़ी समस्या है, हम लोग क्या करते हैं फील्ड में जो किसान रहता है वो क्या करता है, देखो ग्याबन करने के लिए अलग पाउडर लाएगा, फैट बढ़ाने के लिए अलग पाउडर लाएगा, तो ऐसी समस्या को भी ध्यान में रखते हुए ये कंपनी ने ये बोबी ओके नाम से ग्रैनुल्स, तो जो है इसको जो है आपको अलग से कुछ नहीं खिलाना, आपको यही कंटिन्यू रखना है, इससे आपके पशु का फैट भी बढ़ेगा, पशु ग्याबन भी रुकेगा और पशु में जो अंदर बच्चा पल रहा है उसका भी हेल्थ वो भी हेल्थी होगा और पशु एनीमिक नहीं होगा। बाकी और जानकारी की अब डॉक्टर साहब फैट स्नैप को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ क्या किया, बोबी ओके के अंदर हमने एक ईस्ट दी है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी 15 बिलियन CFU में दी है, ये अक्सर जैसे ही पशु खाता है 7% तक तो फैट स्नैप इंक्रीज होता है, 11% तक मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और फाइबर डाइजेशन में हेल्प करता है।
अब ये चीजें तो होगी डॉक्टर साहब, एक हमारे जो मिनरल मिक्सचर की कुछ विशेषताएं थी जी, और सबसे बड़ी विशेषता है डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब फील्ड में इतना समय आपको काम करते हो गया, जब भी आपने कोई मिनरल मिक्सचर लिखा डॉक्टर साहब, किसान ने आपसे एक ही शिकायत की कि डॉक्टर साहब तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं। तो इस बात का भी ध्यान रखा है, तो बताएं इस बारे में कंपनी ने क्या किया है। इस बारे में डॉक्टर साहब पहली बार वेटरनरी इंडस्ट्री में पहल की है मैनकाइंड ने, जो मिनरल्स लाए हैं हम वो भी ओके डॉक्टर साहब, हम घास के स्वाद में लाए। अच्छा, घास के स्वाद में। तो दोस्तों ये घास के स्वाद में आप सोच रहे होंगे ये घास का स्वाद कैसा होता है, ये पशु को पता है। तो घास का जो स्वाद होता है, और हम ये बात मानते भी हैं कि जितनी कंपनियां और फ्लेवर बनाती हैं, मैंगो फ्लेवर हो गया, ऑरेंज फ्लेवर हो गया, और फ्लेवर हो गए, क्योंकि इन सब स्वादों का भैंस को पता नहीं है कि मैंगो का स्वाद कैसा होता है, मैं खाऊंगा अच्छा लगा नहीं। लेकिन घास का स्वाद अगर किसी मिनरल मिक्सचर का होगा तो पशु जरूर उसे खाएगा, ये तय है। बिल्कुल डॉक्टर जी, क्योंकि डॉक्टर पशु खाता ही घास है, नियार खाता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल जो टेस्ट नियार का होता है वही हम डॉक्टर साहब वो भी ओके के अंदर लेकर आए डॉक्टर साहब। तो कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहब, अगर मैं निचोड़ पर आता हूँ तो लेके पशु के हीट से और कंसीव कराने तक और ब्याने तक, ये डॉक्टर सिंगल मिनरल मिक्सचर ऐसा है एक चीज। तो दोस्तों रेगुलर खिला सकते हो सभी चीजों को, कहते हैं ना कि जन्म से लेके और मरने तक का वो वाली बात कहते हैं ना, जब पशु में सीमन रखा जाने से पहले, मतलब पशु को हीट पे लाने से पहले, मतलब हीट पे लाने के लिए भी इसी मिनरल का काम है, फैट बढ़ाएगा ये और जो एनीमिक पशु को नहीं होने देगा, ये भी इस मिनरल मिक्सचर की खासियत है। तो दोस्तों और कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, अभी तक तो हम ही तारीफ कर रहे हैं, अगर जो भी किसान भाई है वो अगर लेकर आए तो इसकी पैकिंग 1 किलो और 5 किलो की है। डोज का मैं थोड़ा सा यहाँ जरूर आपसे, अगर पशु 4 क्विंटल से डाउन है तो डॉक्टर साहब 50 ग्राम डेली देना होता अच्छा। है। पशु 4 क्विंटल से अपर है तो वहाँ 100 ग्राम डेली देना होता है, ये डोज रेट है, ठीक है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब बस यही बोलूँगा, एक बार जो किसान यूज कर लेगा वो भी ओके ग्रैनुलर फॉर्म में, और डॉक्टर साहब हो सकता है अपने अड़ोस पड़ोस में भी जरूर बोले कि हाँ वास्तविक में कुछ ऐसा प्रोडक्ट आया है वेटरनरी इंडस्ट्री के अंदर, जो जितनी तारीफ हमने यहाँ वीडियो में आपके माध्यम से हम बता रहे हैं डॉक्टर, हो सकता है वो किसान हमसे ज़्यादा तारीफ हमारे बोबी ओके की उस समय कर दे जब वो खिला ले पशु से। तो दोस्तों ये था बोबी ओके मिनरल मिक्सचर, इसकी विशेषताएं आपने सुनी मैनकाइंड से एरिया मैनेजर। तो दोस्तों अब ये मैनकाइंड कंपनी हमारे साथ जुड़ी है और हम इनके साथ जुड़े हैं और हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा भी यही मुद्दा है कि जो हीपर्स कटियां हैं, हीपर्स बछियां हैं, एक तो बछियों को लोग छोड़े ना और कटियों को जो है कटने से बचाया जाए। हम भी इस मुहिम के साथ हैं और सभी लोगों का सहयोग चाहते हैं, जो किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, उन सबका भी हमें सहयोग चाहिए, क्यों अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा प्रयास ये है कि जितनी हीपर्स कटियां उनको बेचना और उसे कटवाना, उनको जो है घर पालें और दूध देंगी रुकेंगी, इस मुद्दे को लेकर ऐसे मान लीजिए हम इस पर पूरा फोकस दे रहे हैं, इस पर पूरा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।